भारत में दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ रही है और कोई भी वाहन चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है ड्राइविंग लाइसेंस। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। कभी जनता ड्राइविंग लाइसेंस के लंबे ऑनलाइन प्रोसेस से परेशान रहती है तो कभी ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए दलालों की मांग से। लेकिन अब केंद्र सरकार ने लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को आसान कर दिया है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं दिव्यांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं मीडिया दरबार। दरअसल केंद्र सरकार ने लाइसेंस बनवाने के नए नियम में बदलाव करते हुए बताया है कि अब DL बनवाने के लिए ड्राइविंग की जरूरत नहीं होगी। बदले हुए नियमों के अनुसार अब किसी तरह का कोई ड्राइविंग टेस्ट RTO जाकर देने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हम आपको बता दें कि जिस किसी को भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है वो ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से ट्रेनिंग लेकर और वहीं पर टेस्ट को पास कर बनवा सकता है, जिसके बाद स्कूल की ओर से एप्लीकेंट्स को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जहां इसी सर्टिफिकेट के आधार पर एप्लीकेंट का ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया जाएगा। इन नियमों में ये भी बताया गया है कि ड्राइविंग ट्रेनिंग देने वाला ट्रेनर कम से कम 12वीं कक्षा पास हो और उसे कम से कम 5 साल का ड्राइविंग अनुभव हो। इसके साथ साथ उसे यातायात नियमों का अच्छी तरह से पता होना चाहिए। आपको बता दें कि 2 पहिया, 3 पहिया और हल्के मोटर वाहनों के ट्रेनिंग सेंटर्स के पास कम से कम 1 एकड़ जमीन हो। मध्यम भारी यात्री माल वाहनों या ट्रेलरों के लिए सेंटर्स को 2 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने बताया, ड्राइविंग स्कूल में एक शिक्षण पाठ्यक्रम रखा गया है जिसमें लोगों को रोड शिष्टाचार को समझना, रोड रेज, ट्रैफिक शिक्षा, दुर्घटनाओं के कारण को समझना, प्राथमिक चिकित्सा और ड्राइविंग ईंधन दक्षता को समझना शामिल होगा। अंत में बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने इन नियमों को नोटिफाई कर दिया है और ये नियम लागू भी हो चुके हैं। अब देखना ये होगा कि जनता को इसका कितना लाभ मिलता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।